बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सिक्स क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 3.7 और क्वेश्चन है हमारा चौथा। तो चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6, 8 और 12 के से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने कहा सबसे छोटी, छोटी वर्ड आया है तो मतलब क्या होगा, लासा निकलेगा। तो क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम किसका लासा निकालेंगे, 6, 8, 12 का लासा, ठीक है, इसका हम लासा निकालेंगे। तो लासा कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। 6 लिखा 8 लिखा और 12 लिखा करते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12। फिर किससे करें, 2 इससे ही कर लेते हैं, ये तो जाएगा नहीं तो उतार दो, 2 2 4, ठीक है, 2 3 6। अब हम फिर 2 से कर देते हैं, ये तो जाएगा नहीं उतार दो, ये चला जाएगा कितनी बार में, 2 1 2, और ये भी नहीं जाएगा तो उतार दो। हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1 3, 1 उतार दिया, 3 1 3। तो हमारा लासा क्या आ गया है, ये जो हमारा लासा आ गया है वो आया है 2 × 2 × 2 × 3। मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 × 4 × 8 = 24, ठीक है। तो 24 हमारा क्या आया है, लासा आया है। अब इन्होंने क्या कहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या निकालनी है 3 अंकों की सबसे छोटी जो इससे विभाज्य हो, इनसे विभाज्य हो। वैसे हमको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम करेंगे। चूँकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो होती है 1 और 2 0, ठीक है। ये क्या होती है हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो 2 0 लगाना, मतलब टोटल अंक हमारे 3 होने चाहिए, वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आया है हमारा लासा, ये जो लासा आया है इसको हम भाग करेंगे किससे, ये जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए यहाँ पर लिख देंगे। अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जो पूछ रहे हैं, अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 24 से 100 को भाग देंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाग करते हैं, 24 से 100 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 24 कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में, 4 6 16, 4 2 8 1 9, क्या बचा, 4 शेष बच गया, ये हमारा क्या बच गया, 4 शेष बच गया। तो हम लिख देंगे, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या हमारी क्या आ जाएगी, ये जो हमारा निकला है 100, ठीक है, 100 हम लिख लेंगे, 100 लिखा। फिर इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, ये जो हमारा लासा आया है उसको प्लस करेंगे, और पर लासा में से ये शेष जो है अब उसे हम घटा देंगे। क्या किया है संख्या निकालने के लिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, फिर जो लासा आया था लासा में से शेष को हमने घटा दिया, ठीक है। थोड़ा तिरछा जा रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है यार, दिख तो रहा ही होगा। 100 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, 24 में से 4 गया, क्या हो गया, 20 हो गया। अब 20 इसमें जुड़ जाएगा तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है,
बताओ अब हम अपना करेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 8, 10, 12, इसका हमें निकालना है सबसे बड़ी, इससे विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, का लासा, ठीक है, अब हम इनका क्या लेंगे, लासा लेते हैं। तो लासा ले लेते हैं, 8, 10 और 12, जब हम इनका लासा लेंगे तो कैसे निकलेगा, दो से करते हैं, 2 चक्कू 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12। फिर हम 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 तो जाएगा नहीं, 2 3 6। अब हम 2 से कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 5 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं। अब हम 3 से कर लेते हैं, 1 उतार दिया, 5 जाएगा नहीं, 3 1 कम 3। ठीक है, अब हम किसे करेंगे, 5 से कर देंगे, 1 उतार दिया, 5 1 कम 5, 1 उतार दिया। तो हमारा लासा क्या आएगा, लासा जो आएगा हमारा वो आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो लासा हमारा क्या होगा, 2 × 4 × 8, 8 × 5 = 40, और 40 आया, 40 × 3 = 12, मतलब 120। ठीक है, ये हमारा लासा आया है। ठीक है, अब हमको पता है, अभी इन्होंने कहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो बतानी है जो इससे विभाज्य हो। तो हमको वैसे तो पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वो क्या होती है हमारी, 3 × 9, ये हमारी क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये आया है एक लासा, इससे इसको भाग करेंगे, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए लासा से 9 को भाग करेंगे। ठीक है, ये हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, हमारा क्या निकला था, 120 निकला था, भाग करेंगे 999 को, तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में कर लेते हैं, 8 × 0 = 0, 8 × 2 = 16, 1 हासिल, और 8 × 1 = 8 और 1 = 9, तो क्या बचा, 9 बचा हमारा, यहाँ पे 9 में से 6 गया, 3 = 39 हमारा शेष बचा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, जब हमें छोटी संख्या, छोटे से छोटी अभीष्ट संख्या निकालनी थी, तो हमने क्या किया था कि जो हमारा सबसे छोटी संख्या थी उसमें हमने क्या जोड़ा था, लासा में से जो शेष आया था, लासा में से शेष को घटा दिया था, फिर उसको छोटी संख्या में जोड़ दिया था। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें से ये इसमें से हमें 39 जो है वो घटा देना है। क्या करना है, हमें इस लासा से कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें इस वाले क्वेश्चन में लासा से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या, हम लिख देंगे यहाँ पर अभीष्ट संख्या, तो अभीष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इसमें से ही हम बस शेष घटा देंगे, 999 में से शेष जो है वो हम घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9, 960 जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बड़ी से बड़ी वाली संख्या में क्या करना होगा, बड़ी संख्या में से शेष घटा देना है, जब छोटी संख्या का है तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या में क्या जोड़ेंगे, लासा माइनस शेष करके जोड़ देंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक
48 सेकंड, 72 सेकंड, 160 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? छठा हमारा क्वेश्चन है। तो छठा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 160 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। तो छठा हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्या क्या है? 48 है, 72 है और 108 है। ठीक है, तो हमको पुनः कब बदलेंगी? तो इन वाले क्वेश्चन में हमको लासा ही निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? का लासा। ठीक है, हम क्या करेंगे? इनका लासा निकालेंगे। तो लिख लेते हैं 48, 72, 108। तो किससे कटेगा ये? 2 से जाएगा। 2 × 4, 2 × 8, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। फिर हमारा ये 2 से कट जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 1, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 1 = 2 = 14। अब ये तीनों 3 से कट सकते हैं, तो 3 से कर लेते हैं। 3 × 12, 3 × 18, 3 × 9 = 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? खुश रहो। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे? 3 से ही कर लेते हैं, 4 तो जाएगा नहीं, 4 उतार लिया। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ठीक है, ये हो गया। अब हम किससे कर लेंगे? 3 को ही पहले हट साफ कर देते हैं, तो 4 उतार लिया, जाएगा नहीं, 2 भी जाएगा नहीं, 3 × 1 = 3। ठीक है, अब हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और 1 उतार लिया। फिर अब हम 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2 और 1 उतार लिया, 1 उतार लिया। ठीक है, अब हमारा लासा क्या हो जाएगा? तो हमारा लासा जो है वो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ×
गुणे दो, ठीक है, ये आया है। अब हम इसकी जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 432 आएगा, ठीक है। ये सेकंड में है तो हम सेकंड, अभी यहाँ पे सेकंड लिखने को रहने दो, ठीक है। तो हमारा लासा क्या आया है, 432 आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400, यही जो हमारा लासा आया है, यही समझ लो इतने सेकंड आ गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः तीनों लाइटें पुनः एक साथ कब जलेंगी, एक साथ 432 सेकेंड आ रहा है ना पूरा, बाद पुनः जलेंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, बेटा मान जाओ, जाओ बैठो खेलो, जाके जाओ, हाँ खुश हो जाओ, बड़े हो जाओ, खुश रहो, साइंटिस्ट बन जाओ, और कुछ क्या, दिन भर पैर छूता रहता है, कहता है मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आ रहे हैं महाराज आशीर्वाद लेने। तो क्या है यहाँ पे, इतने अब हम 432 सेकंड को हम, अब हमको बताना है टाइम, तो 432 सेकंड को अब हम मिनट में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 60 से 432 को भाग करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 7 से कर लेंगे, 7 6 42, ठीक है। तो 2 बचा और 1 बचा,
ठीक है, ये बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो है सात हमारा मिनट बन जाएगा, सात मिनट, और ये जो शेष बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सात मिनट बारह सेकेंड बाद, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कितने बजे जलेंगी, ठीक है, तो हमको समय बताना है। तो हमारा समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाहे तो लिख लो, समय हो जाएगा, पर सात बजे जली थी पहली बार, ठीक है, सात प्लस ये हमारा क्या है, सात दशमलव जीरो जीरो प्लस सात मिनट प्लस बारह सेकेंड, ये हमारा सात बजे जली थी, जिसमें हमने सात मिनट बारह सेकेंड जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, सात बज के सात मिनट है, मतलब सात बज के सात मिनट और बारह सेकेंड पर, ठीक है, बजेंगी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सुबह था ना हमारा, तो हमारा ये सुबह ही रहेगा, क्योंकि सात मिनट बाद हमारा शाम थोड़ी होना हो जाएगा। इन्होंने कहा था सुबह सात बजे, ये सुबह का टाइम था, ठीक है, सुबह का टाइम था, और सात मिनट और जुड़ गया तो हमारा सुबह ही तो रहेगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा।